फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी को नवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। माता रानी हम सबके घर आ चुकी है, विराजमान हो चुकी है। नवरात्र में हम सब ने बहुत ही श्रद्धा शक्ति के साथ एक पूरे परिवार की तरह एकजुट होकर के सारे ब्रजनारी सुमि के व्यूअर्स ने और भी पूरी दुनिया के लोगों ने सब ने एक साथ मिलकर नवरात्रि मनाई है। बहुत ही आनंद आया है दोस्तों। थोड़ी थोड़ी विघ्न बाधाएं परेशानियां सब में आती रहती, पर इसी का नाम जिंदगी है। भगवान करे जितने लोगों ने भी इस बार नवरात्रि के व्रत को किया है या अखंड ज्योत जलाया है अपने घर में, कोई पाठ पूजा बैठाया है, कुछ भी नहीं तो माता रानी का 9 दिनों में श्रवण करने के बहाने ही ध्यान किया है, उन सब का कल्याण हो, सबकी जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाए, सबकी विघ्न बाधा दूर हो जाए। इसी आस्था के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी हर्ष उल्लास के साथ मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी सभी के सपनों को पूर्ण करे। दोस्तों, नवरात्र पर्व उसी तरह से पूर्ण श्रद्धा और प्रसन्नता से हमने मनाया है जिस तरह से विवाह आदि मांगलिक कार्य किए जाते हैं और जीवन के सभी संकट हमारे अपने जीवन से अब दूर होने वाले हैं और असीम आनंद की हमको प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज बात बता रही हूँ। नवरात्र पूरे होने के बाद आपको नवमी के दिन पुनराहुति के बाद ये टोटका करना है रात में। माना जाता है कि अगर नवमी के दिन रात में ये टोटका किया जाए तो मनुष्य माला माल हो जाता है, हर परेशानी को दूर करता है। और वो क्या दूर करता है? सिर्फ एक पान का पत्ता। दोस्तों, माँ दुर्गा अपने भक्तों के कल्याण के लिए जानी जाती हैं और नवरात्र के 9 दिनों में तो माँ दुर्गा की जो हमने उपासना कर ली है इतने तन मन धन से, तो दोस्तों माता रानी तो हमारी हर इच्छा पूरी करेंगी ही करेंगी। कुछ विशेष तांत्रिक टोटके करने से कहा जाता है कि हर समस्या और परेशानी दूर हो जाती है। और पान के पत्ते का जो ये तांत्रिक टोटका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इतना असरदार है कि माना जाता है मिनटों में आदमी मालामाल हो सकता है। दोस्तों, तो चलिए मैं आज आपको बता दूं कौन सा टोटका आपको करना है, कौन सा उपाय करना है ताकि आप मिनटों में अपनी धन की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाए। उस पर जो भी आपके बुराई बैठी है, धन के रास्ते में रोड़े बन के बैठी है चीज़ें, वो आपके रास्ते से तुरंत हट जाए। सबसे पहले दोस्तों, नवमी के दिन रात में 9 बजे के बाद माँ दुर्गा का ध्यान करके आपको अपने घर के मंदिर में जहाँ आपने स्थापना की थी या तो वहाँ पे, या आप जहाँ पे माता रानी या कोई भी देवी देवता को आपने स्थापित कर रखा है वहाँ पे मंदिर में आप उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ या ईशान के कोण की तरफ मुख करके बैठ जाएं और गोबर का एक उपला ले लें। उस उपले पे गोबर का उपला, गोठा या जो भी कंडे, जो भी आप बोलते हैं वो ले लें और उस पे एक पान का पत्ता, 2 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची और थोड़े से गूगल आती है, साबुत गूगल आती है मार्केट में, पूजा की शॉप में आपको सब चीज़ें मिल जाती है, और कुछ मीठा रख करके माता रानी को इसकी धूनी दे दें। कैसे धूनी देते हैं? ये सारी चीज़ें आपको उस कंडे पे रख के जला देनी है। उससे पूरे घर में पहले माता रानी को अच्छे से धूप दिखा दें और उसके बाद आपको पूरे घर में ये धूप दिखानी है। ऐसा माना जाता है कि जो भी माता रानी तो सारी निगेटिव शक्तियों को एब्जॉर्ब कर ही चुकी हैं और जो कुछ बची कुछ ही रोड़े हैं, निगेटिव शक्तियां हैं, वो इस धुएं के साथ बाहर भाग जाती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी काम में जो बाधाएं आ रही हैं और वो दूर हो जाएं, तो माता रानी को आप मंदिर जा कर के पान का बीड़ा भी चढ़वा सकते हैं और इस पान में आपको कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा, खोपरा मीन्स नारियल का बुरादा, सुमन कतरी और लौंग का जोड़ा डलवाएं। दोस्तों, सुमन कतरी एक तरह की सुई होती है जो कोई भी शॉप में मिल जाती है, वो लोग खुद ही डालते हैं, ब्रांड है ये सुमन कतरी। और लौंग का 2 पीस लौंग का डलवाएं।
ध्यान रहे पान में सुपारी और चूना ना हो। दोस्तों, माता रानी को पान, एक पान करेगा कमाल आपकी जिंदगी में। पान के बेड़े के कितने सारे कमाल बताने जा रही हूँ आपको। बिजनेस में अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाएं और 9 कन्याओं को पान का दान दें। इसके अलावा धन और वैभव के लिए माता रानी के मंदिर में या माता की प्रतिमा आपके घर पे है तो उनके समक्ष पान के पत्ते पर केसर और इत्र व घी को मिला के आपको क्या करना है, केसर में इत्र और घी मिला लेना और इससे पान के पत्ते पर आपको एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। फिर इस पर कलावा बांध के एक सुपारी रख दें। धन से संबंधित सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होनी है वो चढ़ा देना है आपको रात में और नेक्स्ट डे आप उसको किसी भी बहते हुए जल में विसर्जन कर सकते हैं। अगर बहता हुआ नहीं जल है तो किसी कन्या को आप प्रसाद रूप से भी दे सकते हैं या फिर किसी पीपल के गाछ या कच्ची मिट्टी में इसको डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई आपसे बहुत दूर हो गया है, कोई आपका चाहने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला जिससे आप तन मन धन से प्रेम करते थे, चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो या 6-7 साल से कोई लवर हो जो आपके साथ रहते थे, आपका आजकल का दुनिया लिविंग का ज़माना है, अब साथ में सोचते हैं लिव इन में रहें फिर हम शादी करेंगे, पर फिर होता नहीं है। ऐसे में काफ़ी लड़कियाँ आजकल टूट जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ और दूसरी बात, अगर ठीक है, अगर आप लोगों ने किसी प्रॉमिस के साथ ऐसा किया भी है तो प्लीज़ दोस्तों आप छोड़ के ना जाएं, और अगर छोड़ गए हैं तो अब आप ये छोटा सा उपाय बता रही हूँ जिससे आपका प्रेम वापस आ सके। प्रेम अगर आप चाहते हैं कि जो बीता हुआ प्रेम है, टूटा हुआ प्रेम है, वो बढ़ाना चाहते हैं तो आज रात को आपको चंदन और केसर पाउडर को मिलाकर एक पान के पत्ते पर रख देना है। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने बैठकर आपको पूरे चंडी स्तोत्र का पाठ करना है। और दोस्तों, आप ये ध्यान रखें, चंडी स्तोत्र का पाठ आप अगर संस्कृत में ना जाने तो आप उसको हिंदी में रीड आउट करें, बहुत अच्छा होता है। पूर्ण सप्तशती का पाठ अगर आपके पास किताब नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो हमने अपलोड किया हुआ है हिंदी में सप्तशती का पाठ, पूर्ण चंडी पाठ, आप वो सुन भी सकते हैं। दोस्तों, पाठ पूर्ण करने के बाद रोज इस पाउडर का, ये पाउडर आपको एक डब्बी में रख लेनी है, चांदी की डब्बी हो तो सबसे अच्छी बात है उसमें रखें, और अगर चांदी की डब्बी ना हो आप नॉर्मली भी इसको छोटे से कोई डब्बी में आराम से स्टोर करके रखें ताकि जहाँ पर ये कहीं कोई जूठा मूठा हाथ ना लगे। और रोज फिर आपको ये तिलक अपना लगाना है, जिसके नाम से आपने पूजा की है उसके नाम, उसका नाम लेकर के ये तिलक कम से कम 43 डेज तक रेगुलर लगाना है, और आप खुद देखेंगे वो पर्सन कैसे आपके पास दौड़ा दौड़ा आता है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आपने किए हैं। अगर आप आज रात को माता रानी को लाल गुलाब या लाल गुड़हल के फूल की माला चढ़ाएंगे तो इससे भी आर्थिक संकट दूर होते हैं, और घर में अगर कोई भय खाता है, किसी को डर लगता है तो भय भी अवश्य ही दूर होते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में परेशानियां ज़्यादा हैं, अस्थिरता रहती है, तो आप लोग, आप अगर आप या आपकी पत्नी, अगर कोई लेडी सुन रहे हैं तो वो या उनके पति माता रानी का दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ करना है आपको, आज से लेकर के 9 दिन तक रोज आप पाठ करें। माता के पाठ पूरा करने के बाद लौंग और कपूर से आरती करनी है आपको, तो आपके जीवन से सभी संकट कटने लगेंगे। और अगर आपके घर पे ये पाठ कोई नहीं कर पा रहा है तो आप किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा भी इस पाठ को करवा सकते हैं, और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो आपको श्रवण कर लेना है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ चाहते हैं तो हमारे वीडियोज़ में आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते
सकते हैं। नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में प्लेलिस्ट में संपूर्ण पाठ दिया हुआ है, आप वहां से भी श्रवण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने एक से एक बताए हैं माता का कल्याणकारी उपाय, और ये पान के एक पत्ते का कमाल है दोस्तों, करेगा आपको मालामाल, हर परेशानी करेगा दूर आपकी लाइफ से दोस्तों। तो भक्तों के कल्याण के लिए माता रानी अपने भक्तों को एक चांस और दे रही है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो ये कर लीजिए और देखिए आपका जीवन में कैसे सुख संपत्ति का वास होने वाला है। किसी भी तरह के प्रश्न हो तो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें, और दोस्तों ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ एक वीडियो कभी भी किसी की लाइफ बदल सकता है। तो सबसे शेयर करते रहें, हमें नहीं पता कब कौन सी चीज़ किसके दिमाग में हिट कर जाए और कब किसका जीवन बदल जाए। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना ही, लव यू ऑल, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखे। Take care friends, love you all and Jai Mata Di.